गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ट्विंकल कुमार गौड़, योर मैथमेटिक्स टीचर एंड योर क्लास टीचर। दिस टुडे योर क्लास फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लासेज में हम आपको चैप्टर 4 जिसमें आपको बेसिक बेसिक ज्योमेट्री आइडियाज आपको दिए गए थे और वो चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है बेटा। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी जो आज की क्लास है आपको चैप्टर 5 की शुरुआत करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ आपको बेटा देखिए, जो आप लास्ट क्लासेस में हैं, आपने कर्व क्या होता है, कर्व क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था अब तक। तो आपने देखा होगा जहाँ भी आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा था बेटा, वहाँ हर जगह एक वर्ड लिखा मिलता था आपको कि ड्रॉ ए रफ डायग्राम है, ड्रॉ ए ड्रॉ रफ स्केच ऑफ दिस फिगर, ड्रॉ रफ रफ, हर जगह यानी कि रफ वाली बात आ रही थी। यानी कि अब तक आपकी प्रोट्रैक्टर, स्केल या फिर जो भी आपके ज्योमेट्री वाले बॉक्सेस वगैरह होते हैं, जो भी आपका ज्योमेट्री वाला बॉक्स होता है उसमें जितने भी आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड सामान होता है, अब तक उसके यूज़ की कोई बात नहीं हो रही थी बेटा, ठीक है। आपको भी लग रहा था कि वैसे तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं लेकिन कहीं यूज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज बेटा आपको स्टार्टिंग में सिखाया गया था, ठीक है, रफली आपको सब चीज़ को सिखाया गया। अब उस चीज़ को रफली ना करके बेटा फेयरली एक तरीके से, यानी कि हम बिल्कुल एक्यूरेट मेजर के साथ, एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ उस उसकी फिगर वगैरह को ड्रॉ करेंगे और उसको हम बिल्कुल ईजिली वे में एकदम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा देखो, मैं आपको बता दूँ, कोई भी आपकी लाइन सेगमेंट है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, एक्स वाई जेड कोई भी आपकी शेप है, उसको मेजर करने के तीन चार तरीके होते हैं। अब वो तीन चार तरीके कौन कौन से, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा और जो सबसे द बेस्ट होगा उसको मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। तो देखिए, आपकी बुक में जो दे रखे हैं बेटा, सबसे पहला दे रखा है आपके में कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। पहला आपके में क्या दे रखा है बेटा, कंपैरिजन कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है बेटा। देखिए ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या है, इसमें कैसे आपको बस सिंपल सी, मान लीजिए मैंने टू लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रखी हैं बेटा, इसमें एक ये कर दी मैंने, अब आपको बतानी है इनमें कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपको देख के ही पता लग रहा है कि ये बड़ी है ये छोटी है। बट हम एक एक्यूरेट मेजर की बात करें तो बेटा यहाँ हम एक्यूरेट मेजर नहीं दे पाएंगे हम, ठीक है। मैंने कहा दे रहा है टू लाइन सेगमेंट, फर्स्ट वन इज ए बी एंड देन सेकेंड वन इज सी डी, ठीक है, एंड यू कैन से दैट ए बी इज ग्रेटर दैन सी डी लाइन सेगमेंट। बट बेटा कितनी ग्रेटर देन है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये एक्यूरेट मेजर बेटा यहाँ हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला फेल होता है मेरी तरफ से, तो ठीक है आप इसको फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। अंदाज़ा लगाने के लिए ठीक है कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, मैं एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये लीजिए और इसके पास में मैंने ये आगे बढ़ा दी, जैसे अब लगभग आप देख रहे हो कि देखने में तो दोनों बराबर सी लग रही हैं लेकिन एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है। अंदाजे से आपने गैस करके बोल दी कि हाँ दोनों इक्वल तो हैं लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट में पता चला कि दोनों में बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, यानी कि देर आर लिटिल बिट डिफरेंस ऑन बोथ लेंथ, ठीक है, इन बोथ लेंथ, यानी दोनों की लंबाई में बहुत छोटा सा अंतर है जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन आपने एक अंदाज़ा लगा दिया, एक गैस लगाया कि दोनों सेम है, तो ये चीज़ें बेटा फेल होती है, ठीक है, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और आपके में जो दूसरा मेथड दे रखा है बेटा, जहाँ बेटा आपको नोट डाउन करने की बात आएगी मैं बता दूंगा, अभी नहीं करना है आपको कुछ भी नोट डाउन, बस समझते रहिए। दूसरा बेटा आपके में दे रखा है, एक सेकेंड कैमरा हिल गया, सॉरी बेटा कैमरा हिल गया है, ज़रा मैं सेट कर दूँ, सही हो गया। देखिए बेटा दूसरा आपके में दे रखा है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, क्या बेटा, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग बाय ट्रेसिंग, ठीक है। तो बेटा कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग क्या होता है, आपके में देखा होगा जो आप जब ज्योमेट्री बॉक्स लाते हो तो इस तरीके के से आपको दो, एक तो इस तरीके का ट्राइंगल मिलता है, एक बेटा कुछ इस तरीके का ट्राइंगल होता है, उनकी हेल्प से आप उसकी लेंथ वगैरह को निकालते हो, कोई भी आपकी कोई भी आपकी फिगर है या कोई भी आपका लाइन सेगमेंट वगैरह है तो उसकी हेल्प से आप सपोज करो जैसे इसकी निकालनी है मुझे क्या लेंथ है इसकी, तो ठीक है बेटा इनकी हेल्प से मैं निकाल लूँगा इसको, तो ये भी अपने आप में बहुत क्रिटिकल हो जाता है, बहुत पेचीदा है ये भी, हम इसको भी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए अगली बात करते हैं, अब थोड़ी सी जो बात करेंगे अब करेंगे समझने वाली बेटा, ये आता है कंपैरिजन यूजिंग रूलर,
कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड क्या बेटा डिवाइडर। ठीक है बेटा, देखिए रूलर किसको बोला है बेटा, रूलर आपके स्केल को बोला है इसने, और डिवाइडर आपका जो प्रकार बोलते हो आप जिसको, ठीक है, क्या बोलते हो, प्रकार बोलते हो, जो प्रकार होता है ना, प्रकार में एक तरफ तो पेंसिल लगती है, ठीक है, कंपास बोल देते हो आप उसे, एक तरफ पेंसिल लगती है, एक तरफ नॉक होती है, और उसमें देखा होगा कि आपने ये दो टांग वाला भी एक प्रकार होता है जिसमें यहाँ चोंच निकली हुई होती है आपकी, ठीक है, इसमें आपकी चोंच निकली हुई होती है बेटा, ये दो टांग वाला भी होता है प्रकार आपका, मुझसे ड्राइंग वगैरह नहीं आती है तो समझ जाओ, इसको बोलते हैं बेटा हम क्या, इसको बोलते हैं डिवाइडर। तो इससे कैसे मेजर करते हैं, एक होता है आपका स्केल, स्केल का तो आपको पता ही है बेटा, स्केल का तो बताने की जरूरत है ही नहीं मुझे, इस तरीके का एक आपका स्केल होता है, यहाँ नंबर वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है, यहाँ भी नंबर वगैरह आपके लिखे होते हैं, ये स्केल होता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों से हम जो लेंथ की लेंथ जो यूज करते हैं, हम लेंथ जो मेजर करते हैं वो हमारी एक्यूरेट आती है। अब इन दोनों में भी बेटा किससे बेस्ट आएगी, बेटा सबसे बेस्ट आती है इससे, किससे बेटा, डिवाइडर से, जो आपकी सबसे बेस्ट आती है निकल के मेज़र, वो आती है बेटा किससे, आपके डिवाइडर से। वो क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, सपोज कीजिए मैं आपके स्केल को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, इस तरीके का मान लीजिए स्केल है आपका, अब यहाँ आपको पॉइंट मिले हुए हैं बेटा छोटे छोटे, मैं वैसे बना रहा हूँ अंदाज से, कोई काउंटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से मान लीजिए आपका स्केल बना हुआ है, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखने के आपके थ्री पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ठीक है, यानी कि थ्री साइड से आप इसको देख सकते हो, कैसे, अगर मान लीजिए आप इधर खड़े होकर देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो हो सकता है ये आपको एक आध डैश आगे पीछे हो जाए, उस तरफ से देख रहे हो तो हो सकता है आपको उस तरफ से एक आध आगे पीछे हो जाए, और इस तरफ से देख रहे हो सामने से, तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट दिखेगा, बिल्कुल ऐसे इसके सामने खड़े हो गए आप, बिल्कुल आपकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल जैसे मेरी क्या आँखें, आप बिल्कुल कैमरे के सामने हैं, तो ऐसे आप बिल्कुल जब अपनी बिल्कुल आइज के सामने रखोगे उसको, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा आपको। कई बच्चों की क्या होती है, गर्दन टेढ़ी करके काम करने की आदत होती है, कई बच्चों को हाथ टेढ़ा करके, कॉपी टेढ़ी करके लिखने की आदत होती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी मेजर थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस केस में, इस केस में क्या होता है बेटा, सपोज कीजिए आपकी ये लाइन है, इस पर मैंने बेटा ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक, देखना कैसे करते हैं बेटा, ये मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया बेटा ए एंड बी, जब आप ए एंड बी लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर लिया बेटा, अब यहाँ देखोगे आप क्या करोगे, इसमें इसके एक पॉइंट को यहाँ टिकाओगे, दूसरे पॉइंट को यहाँ टिकाओगे आप, जैसे आप दोनों पॉइंट्स को यहाँ रखोगे और इसमें एडजस्ट आप कर लेते हो, आपको पता है ऐसे करके आप एडजस्ट कर लेते हो इसको इजीली, तो आप यहाँ से आपने एक इसमें डिस्टेंस ले ली अपने इस कंपा इसमें डिवाइडर में, और फिर बेटा आप उसके दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट्स को यहाँ रखोगे स्टार्टिंग में, और दूसरा पॉइंट जहाँ भी जा रहा है मान लीजिए यहाँ आ गया है, तो आप उसको यहाँ रख लोगे 1 2 3 4 5, जब सपोज करो अभी यहाँ 5 है, तो ये बेटा कितनी 5 सेंटीमीटर की हो गई आपकी, कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। इस तरीके से आप डिवाइडर को यूज़ करके बिल्कुल एक्यूरेट मेजर अपनी निकाल सकते हो। तो बेटा अब आता है कि एक्यूरेट मेजर किसकी हेल्प से आती है, हमारी डिवाइडर की हेल्प से, ठीक है, रूलर भी है लेकिन जो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मेजर देता है वो बेटा हमारा सिर्फ डिवाइडर देता है, ठीक है, इस चीज को आप याद रखोगे, चाहो तो आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं थोड़ा साइड में कर लीजिए आप, और मैं समझता हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा बिल्कुल। तो बेटा हम जितने भी आप कंपैरिजन वगैरह वाले करने वाले, सॉरी जो कंपैरिजन करेंगे लेंथस वगैरह में, साइड्स वगैरह में, वो सारा का सारा रूलर और डिवाइडर के उससे ही सीखेंगे, ठीक है। तो आप अपना रूलर और डिवाइडर तैयार रखिएगा, ठीक है बेटा। देखो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, वीडियो में आवाज आपको अच्छी पहुंचे इस वजह से मैं पंखा बिल्कुल स्लो स्पीड में चला रखा है। चलिए बेटा कीजिए आप, आपने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, और आपकी एक्सरसाइज में देख लेता हूँ कहाँ है, ये तो एक्सरसाइज नहीं मिली मुझे, हाँ मिल गई, चलिए देखिए बेटा इसमें मैं आपको बता दूँ बेटा, देखिए आपके पास जिन बच्चों के पास बुक्स है अच्छी बात है, जिनके पास बच्चों के पास बुक्स नहीं है आप मुझे, मैं इनकी इसकी जैसे चैप्टर की शुरुआत करता हूँ मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपके लिए, तो वहाँ से आप इजीली अपने क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देख सकते हैं, चैप्टर की रीडिंग वगैरह जो भी एक्स वाई जेड जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर
कोई टीचर नहीं भी करते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके बता दोगे बेटा, मैं आपकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी है नेट से डाउनलोड करके, या आप भी खुद कर सकते हो एनसीईआरटी की साइड से, बिकॉज यू आर ऑल बुक्स फ्रॉम एनसीईआरटी, तो यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम ऑनलाइन नेट से। ओके, नेट से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो कभी किसी भी फाइल को, किसी भी बुक को। चलिए बेटा, बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन। बेटा इसमें वो थोड़ा मिसप्रिंट है, वो एम ई आर ई लिखा हुआ है, एम ई आर ई मेयर ऑब्जर्वेशन लिखा है, लेकिन बेटा वो मोर ऑब्जर्वेशन है। क्या है बेटा? मोर ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखोगे आप। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मोर ऑब्जर्वेशन से डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि क्या डिसएडवांटेज है बेटा। तो बेटा देखो, मोर ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मैं आपको बता दूं, मोर ऑब्जर्वेशन वो होती है बेटा जो आप स्केल से चेक करते हो, ठीक है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप इस साइड से देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगी, इस साइड से देखोगे राइट हैंड साइड से तो कुछ दिखाई देगी, और जब बिल्कुल सामने उसको स्केल को और लाइन को रख के देखोगे, जो आपकी लाइन सेगमेंट होगी, तो आपको उसकी मेजर आपको एकदम एक्यूरेट मिलने वाली है। लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है टेढ़ी गर्दन काम करने की, कुछ की इधर काम करने की, कुछ कॉपी को टेढ़ा कर देते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, तो ये चीज़ें वहां मैटर करती हैं। और आपकी डिस्टेंस बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ में 19-20 की एरर आ जाती है, कहने मतलब पॉइंटों में कुछ एरर्स आ जाती हैं। तो वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट्स बाय मोर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो चांसेस मैं लिख देता हूं बेटा यहां, चांसेस ऑफ एरर is more due to the wrong view, वैसे इतना आप लिख लोगे इसमें, wrong view या wrong view एक ही बात है, ठीक है। यानी कि आपके गलत देखने के नज़रिए से वहाँ एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बट आपका क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई इज द, देखिए ये थोड़ा बहुत आपको आंसर शीट में लिखा हुआ डिफरेंट मिल सकता है, बट इट डजेंट मैटर, बोथ आर सेम। ओके, व्हाई इज बेटर टू यूज ए डिवाइडर देन ए रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो बेटा देखिए ये कह रहा है कि एक, मैंने अभी आपको बताया भी था आपका जो रूलर से आप मेजरमेंट निकालते हो और जो डिवाइडर से निकालोगे, अगर उन दोनों में कंपैरिजन किया जाए कि किसकी बेस्ट है किसकी बेटर है, तो हम डिवाइडर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जो आपकी डिवाइडर की जो मेजरमेंट होगी बेटा वो सबसे बेस्ट होगी, सबसे एक्यूरेट होगी और सबसे अच्छी होगी, ठीक है ना, कहने का मतलब एकदम एक्यूरेट होने वाली है। तो आप लिखोगे एक्यूरेट मेजरमेंट, क्वेश्चन नंबर टू का जो आंसर है बेटा, चलिए मैं ऐसे लिखता हूँ आंसर टू जो है आपका, देखिए बेटा उसका आंसर क्या है एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन को, व्हाई इज द बेटर, हाँ ठीक है बेटा, एक्यूरेट मेजरमेंट विल बी पॉसिबल। तो इसका आंसर लिख दोगे आप एक्यूरेट मेजरमेंट मेजर विल बी पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आंसर थ्री, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से देखोगे। ये बोल रहा है बेटा क्वेश्चन थ्री में, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी, टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा। ये बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए आप, चलिए बेटा मैंने इस पर लाइन सेगमेंट ले लिया बेटा ए एंड बी। उसके बाद वो बोल रहा है बेटा टेक एनी पॉइंट सी लाइंग बिटवीन ए और बी, इसके बीच में बेटा मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, ठीक है। अब वो बोल रहा है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी एंड ए सी। पहले तो आपको ए बी की मेजर करनी है, फिर ए सी और सी बी की मेजर करनी है, और फिर उसके बाद में आपको दिखाना है कि क्या इज ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी या सी बी, ठीक है बेटा, क्या दोनों बराबर हैं, क्या इन दोनों का सम इस पूरे के बराबर है। तो बेटा देखिए, अगर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का समझा देता हूँ कैसे आप इसमें मेजर करोगे। देखिए बेटा, आप स्केल को यहाँ रखोगे, आपका जीरो पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ तक जितना जा रहा है उसको एक तरफ लिखोगे और यहाँ जितना जा रहा है बेटा उसको एक तरफ लिखोगे। तो सबसे पहले तो आप पूरे की मेजर कर लीजिए, मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर लेता हूँ बेटा। सपोज कीजिए ये आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, अपनी तरफ से कंसीडर किया है, आपकी जो आ रही है वो आप देखोगे। सपोज कीजिए बेटा ये आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब मान लीजिए बेटा मैंने ये पॉइंट लिया है अंदाजे से, अब मैं बीच में है लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि बिल्कुल मिड में है, ठीक है। अंदाजे से मैंने पॉइंट लिया है, तो सपोज कीजिए बेटा ये तो हो गया आपका, ये हो गया बेटा आपका 3.8 सेंटीमीटर पे, ठीक है बेटा, और सॉरी बेटा ये हो गया आपका 2.8 सेंटीमीटर पर, और बेटा ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर पर, सपोज कीजिए ऐसा, ठीक है। तो बेटा वो मेजर करा रहा है आपसे, तो आप लिखोगे ए सी, पहले लिखोगे आप ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने अपनी अंदाजे से लाइन बनाई है। अब यहाँ ब्लैक बोर्ड पर तो पॉसिबल, सॉरी व्हाइट बोर्ड पर तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, स्केल वगैरह लगाऊँ इतना बड़ा स्केल अभी है भी नहीं, और आपको समझ में आ रहा होगा, आप कॉपी में ड्रॉ करके चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। और ए सी आपकी कितनी है 2.8 सेंटीमीटर, और बेटा आपकी सी बी कितनी है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा आंसर है इसमें, क्या इन दोनों का सम ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी है, तो आप कहोगे यस यस है। कैसे देखिए, आप लगा दीजिए 6 इक्वल्स टू 2.8 प्लस 3.2, जब आप इन्हें ऐड करोगे बेटा तो 0, ठीक है, 10 हो गया तो 0, और 3 और 2 5 और 6 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का सम 6 आ गया, दोनों साइड आपकी बराबर होगी, तो आपका आंसर हो गया बेटा यस, ठीक है। ऐसे आप मेज़र करोगे इजीली। चलिए बेटा अब आंसर नंबर 4 की बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा। आंसर नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, ये कह रहा है इफ़ ए बी सी आर 3 points ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। देखिए बेटा ये बोला ए बी सी डी आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट, ए लाइन, एक लाइन है बेटा आपकी ये मान लीजिए मैंने, ठीक है बेटा, एक लाइन है आपकी, ये हो गया ए, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा सी, ऐसे मैंने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब वो बोला ए बी 5 सेंटीमीटर है बेटा आपका, 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है बेटा आपका 3 सेंटीमीटर, और फिर वो बोला ए सी यानी कि पूरी जो लाइन है आपकी ये वाली बेटा ये कितनी है आपकी, ये है बेटा 8 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है वो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू। अब इसमें आपको साफ पता चल रहा है कि इन दो ऐसा पॉइंट्स बताइए जो किन्हीं दो के बीच में आ रहा हो, तो बेटा आपको साफ पता चल रहा है कि यह 5 हो गया या 3 हो गया, अब पूरी 8 है, तो 3 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से, बीच में कौन सा पॉइंट है बेटा आपका बी, तो आप कहोगे बी, यहाँ ऐसे लिखोगे आप पॉइंट बी लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन ए एंड सी, ठीक है बेटा, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा, रफ करता हूँ। अब देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई वेदर दैट वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एज। बेटा एक आपको लाइन दे रखी है, मैं बना देता हूँ आंसर नंबर 5 हम बनाएंगे, अब आंसर 5 है बेटा, तो वो कैसे बनाएंगे देखिए, एक आपको बेटा लाइन दे रखी है, मैं थोड़ा बना लूँ इसको उसके बाद बात करते हैं। बेटा इस पर नंबर दे रखे हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और देन बेटा 7, तो इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हटा देते हैं, ठीक है। और बेटा इस पे अल्फाबेट्स दे रखे हैं मुझे 1 से ए बी सी डी ई एफ जी तक, ठीक है बेटा। अब वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ए जी। अब देखिए बेटा जो मुझे पॉइंट लाना है बेटा डी आपका, वो बेटा मिड पॉइंट लाना है, क्या लाना है बेटा मिड पॉइंट करना है, पूछना है कहानी कि डी इज द मिड पॉइंट है, हाँ
कैसे? देखिए बेटा, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ, 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, यानी कितने पॉइंट्स को छोड़ के आ रहा है बेटा? 3 यूनिट्स लिख दोगे आप। कितने यूनिट्स को? जहाँ आपको ये ना पता हो कि हमें मीटर लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है, मिलीमीटर लिखना है, ठीक है, या कौन सा मीटर लिखना है, तो बेटा वहाँ आप अपनी तरफ से यूनिट लगा दोगे। ठीक है, यूनिट का मतलब इसके सामने कुछ ना कुछ मेजरमेंट लगी हुई है। और इधर से देखते हैं तो जीरो की तो कोई है ही नहीं, आपकी ऐसे शुरुआत करनी है 1 2 3, तो इधर से भी कितने यूनिट छोड़ रहा हूँ बेटा मैं? 3 यूनिट। ठीक है, तो आप यहाँ कहोगे यस डी इज द मिड पॉइंट, यस डी इज द मिड पॉइंट, यस डी इज द मिड पॉइंट। आप सीधा आंसर लिखोगे डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन आंसर नंबर 6 की बात करते हैं। आंसर नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? वो बोल रहा है क्वेश्चन, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देन ए बी सी डी आर ए बी सी डी लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन से y ए बी इक्वल्स टू सी डी। देखिए बेटा, उसने बोला है एक नंबर लाइन, एक लाइन है बेटा मेरी, मैं अगेन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ध्यान से। अब वो बोल रहा है बेटा मुझसे पहले, इफ b इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है बेटा, मान लीजिए मैंने a और c यहाँ ले लिया, ठीक है, तो बेटा b इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऐसा बोला है मुझसे। फिर वो बोल रहे हैं ठीक है, एंड c इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी और डी यहाँ ले लेता हूँ मैं बेटा। क्या बोला? देखो दो बात बोली है, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, और फिर वो बोल रहे हैं, आप पूछा है आपसे कि वेयर ए बी सी डी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, यस, क्या ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं, यस। ए बी इक्वल्स टू, सॉरी, ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन पे लाइज कर रहे हैं, यस, ए बी सी डी लाइज लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है बेटा वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी क्यों है? देखिए बेटा, जब उसने बोला, देखिए एक तो होता है बेटा बीच का पॉइंट, एक होता है मिड पॉइंट, ठीक है, एक तो होता है हमने अपने अंदाज से पॉइंट ले लिया, एक क्वेश्चन में ही बोला है कि मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का मतलब ही है कि वो, जैसे अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, सपोज कीजिए मैंने यहाँ बात करी ए और सी की, और यहाँ बोल दिया मैंने बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है। अब चाहे मुझे इसकी लेंथ पता है या नहीं पता है, लेकिन बी का काम क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटना है बेटा। अगर मिड पॉइंट बोल रहा है वो सीधा, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ मिड पॉइंट है उसके इस साइड भी और इस साइड भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जहाँ जिसका भी, मान लीजिए ये लाइन है, इसका मैंने मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो ये इसको भी और इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। कितने में? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बेटा। तो ऐसे ही अब बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ आती है, सेम कंडीशन यहाँ है कि ए सी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो बेटा ये लाइन यहाँ से लेके ए बी और बी सी आपस में इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी यहाँ लिख दोगे आप, बिकॉज, या ऐसा करके लिखोगे पॉइंट लगा, क्यों? बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक। दूसरा बेटा, बी सी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू सी डी बिकॉज के लिए ऐसे डॉट लगा देते हैं, बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर वो पूछ रहा है वाई ए बी इक्वल्स टू सी डी, बेटा देखिए जब आपको साफ पता चल रहा है ए बी बी सी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है, तो बेटा ये वाला पोर्शन और इसके बराबर है, तो आप सीधा लिख दोगे बेटा ए बी इक्वल्स टू सच दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आपका हो गया आंसर जो पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ आप आंसर लिखोगे, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो यस, जो आपकी आंसर होगा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा आपके, नोट डाउन कीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैं उसको ऐसे ही बता देता हूँ, ओरली वाला है वैसे तो वो, क्वेश्चन नंबर 7, यानी आपका आंसर 7 की बात करेंगे अब हम, आंसर 7। देखिए आंसर 7 क्या कहता है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। देखिए वो बोल रहे हैं कि आपको 5 ट्राइंगल्स बनाने अलग अलग डिफरेंट मेजर्स के, एंड चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, यानी कि देखिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्राइंगल है,
ठीक है बेटा, इसकी साइड मैंने ए ले ली, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये इसको स्मॉल बी ले ली, इसको सी ले लीजिए बेटा स्मॉल, और इसको बेटा मैंने आपको बी ले लिया। इसकी जो लेंथ है एक अपनी तरफ से मैंने सपोज की है, ठीक है, तो वो बोल रहा है क्या दो साइड्स का सम तीसरी साइड से कम होता है। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा जो ट्राइंगल के केस में बात करते हैं हम बात करते हैं द सम ऑफ टू साइड्स इज नॉट लेस देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। बेटा वो लेस नहीं होती है, नॉट लेस देन वो क्या होती है बेटा, ग्रेटर देन होती है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऐसे और शॉर्ट में दिखाने के लिए कि आपकी ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, नॉट लेस देन, ठीक है। अच्छा अच्छा देख लीजिए आप, चलिए बेटा मैं मान लीजिए मैंने बेटा इसकी मेजर को ले लिया, मान लीजिए मैंने इसकी मेजर को ले लिया 3 और इसकी मेजर को ले लिया 2 और इसकी मेजर को ले लिया बेटा मैंने 4, ठीक। अगर आप इन दोनों का सम लेते हो तो भी इससे ज़्यादा है, इन दोनों का सम ले लो तो भी इससे ज़्यादा है, या इन दोनों का सम ले लो तो भी इससे ज़्यादा है, यानी कि कोई भी टू साइड्स का आप सम लीजिए तो वो तीसरी से ज़्यादा होना ही होना है, ठीक है बेटा। तो आप इसे अब नोट डाउन कर लीजिए, ए सी और बी नोट डाउन कर लीजिए बेटा जल्दी। ठीक है, आप यहाँ या तो नोट लगा दीजिए बेटा, अगर नोट नहीं लगाना चाह रहे हो तो यहाँ आप लिख दोगे ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। यहाँ आप ये भी लिख सकते हो ग्रेटर देन, ठीक है। चलिए बेटा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम हो गया अप्रोक्स 20, यानी आपकी क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है। तो देखिए बेटा, आज मैंने आपको थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ लाइन लाइन सेगमेंट, ठीक है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम इसको मेजर करते हैं, हमारे लिए बेस्ट कौन से हैं, तो कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हम बेस्ट है वो है आपका डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर और स्केल दोनों को आप एक साथ यूज करो तो आपकी एकदम एक्यूरेट मेजर निकल के आती है, ठीक है बेटा। अब देखिए मैंने आपको मैसेज डाला था कि सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क मुझे सेंड करें, लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ, सभी स्टूडेंट ने गिने चुने 2-4 स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क सेंड किया है, जो कि बहुत गलत बात है। देखिए मैं, आप खुद मुझे देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, गर्मी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पंखा मेरा स्पीड से नहीं चल सकता, अगर मैं पंखा को स्पीड से चलाऊंगा तो बेटा आपको आवाज़ सही नहीं आएगी, ठीक है। अब गर्मी में बेटा मैं जब आप लोगों के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा काम वगैरह मुझे सही से करके टाइम पर देते रहेगा, तो मुझे बेटा खुशी होगी इस चीज़ की कि आप लोग काम कर रहे हैं, फिर मुझे गर्मी वगैरह कुछ भी हो फिर मैं आपको डेली क्लास दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और देखिए बेटा मैं आपकी पूरी 30 मिनट्स की पूरी क्लास वाला माहौल बना के रखता हूँ, तो कम से कम आप कुछ सीखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बताइए, कॉल करके बताइए, जो भी है आपकी प्रॉब्लम मैं बिल्कुल सॉल्व आउट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। लेकिन कम से कम आप अपना काम करते रहिए, अपनी कॉपी बना के रखिए पूरी, ठीक है। और बेटा जब भी मैं बोलता हूँ कि अपना वर्क सेंड कीजिए तो बेटा वर्क ज़रूर सेंड कीजिएगा, जितना हो गया उतना कीजिए, कम ज़्यादा जैसा भी है आप कीजिए, अच्छा बुरा जैसा भी कीजिए आप, अगर अच्छा है तो गुड मिलेगा, अच्छा नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी यहाँ यहाँ कमी, आप इस चीज़ को सही कीजिए, फिर आप उस चीज़ को सही करेंगे और जब सही कर देंगे तो फिर आपको भी गुड मिलेगा, ठीक है बेटा। तो आप इस काम को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे एक बार, एक इसका रिवीजन जरूर करेंगे। और बेटा मैं आपसे ये और कहूँगा, वीडियो को अगर एक बार में आपको चीज़ समझ में नहीं आती है तो दोबारा देख लिया करो, या सबसे बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले वीडियो को आप देखो अच्छे तरीके से, आपको लिखना कुछ नहीं है, आप अच्छे तरीके से अपनी वीडियो को देखिए, और वीडियो को देखने के बाद कुछ टाइम बाद जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, थोड़ी देर बाद अपना रेस्ट वगैरह करके, आप अपने आराम से जब भी आप रेस्ट वगैरह कर लेते हो वीडियो को आराम से दोबारा देखिए, कॉपी अपने सामने रखिए और लिखते रहिए, मैं देखता हूँ आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा जो भी मैं बोलता हूँ, ठीक है बेटा। तो आप इस अप्रोच को फॉलो करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो वगैरह अच्छी आ रही होगी। तो बेटा आप देखिए, अब इतने दिन हो गए पढ़ाते, कहने का मतलब 6वीं 7वीं क्लास चल रही होगी आपकी, 6th 7th क्लास होगी ये, तो कहने मतलब नंबर से बोल रहा हूँ मैं, क्लास तो आपकी 6 है, कहने मतलब 6 या 7 वीडियो मेरी आ चुकी होंगी आपके पास। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो बेटा आप हमारे जो चैनल है स्कूल वाला या जो भी चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं बेटा, उस पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। आप अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर लाइक्स वगैरह कर दिया करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा उस पर कमेंट्स वगैरह भी कर दिया करो, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।